what's the full name? Vivek Kumar. Vivek Kumar. And you did your M.Tech? Yes, sir. Which year? Which medium would you like to be interviewed? Hindi, sir. Hindi? Yes, sir, Hindi will have a competition. You did your B.Tech in 2010? Yes. Did you have a... PBD in 1902, sir. And M.Tech in 2012? Yes, sir. So who was director at that time? Sir. Who was the director at that time in 2012? Sir, M.K. Tiwari, Dr. M.K. Tiwari. M.D. Tiwari. M.D. sorry. M.D. Tiwari. M.D. He was my colleague at all. किस सब्जेक्ट के थे? फिजिक्स के. सर फिजिक्स के. रोहिलखंड में भाई सांसद रहे फिर भोपाल जोशी ने भोपाल करी बरतुल्ला यूनिवर्सिटी में उन्होंने पीसी बनने की टिक पकड़ ली थी कैसे बना जाता है और जहाँ गए वहीं पीसी मेरे साथ रोहिल रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से शुरू किया उन्होंने यहाँ जो स्टेबलिश होना ओएसडी बनी उन्हीं का फॉर्म चाहिए था कि ट्रिपल आई आप हमीरपुर के रहने वाले हैं जी उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े जिले हैं जी उनमें से एक है हमीरपुर जी क्यों ऐसा है सर हमीरपुर की सर सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर आ रही है जैसे परिवहन के संबंध में सर दोनों तरफ हमीरपुर की नदियाँ तो शहर का विस्तार नहीं हो पा रहा है और रेलवे लाइन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर दूसरा इशू सर जमीन उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी होनी चाहिए और सर तीसरा अब तो जलवायु संबंधी समस्याएं हैं कि समय पर बारिश नहीं आती पानी की भी क्राइसिस है जी सूखा पड़ जाता है अक्सर ही एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट हैं मेजर प्रोडक्ट जो वहाँ सर सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर सर गेहूँ और धान की खेती की जाती है तो और जो वाणिज्यिक कृषि जो है वहाँ पर नहीं होती है सर चना होते हैं नहीं अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने बहुत बड़ा पैकेज जी सर हमीरपुर के विकास के लिए दिया है जी सर तो कौन कौन प्रायोरिटीज में है इन क्षेत्रों में जो है सर जो सबसे बड़ा हिस्सा उसका सर महोबा डिस्ट्रिक्ट को मिला है सर वहाँ पर एक नवीन जो है मंडी की स्थापना की जा रही है जिससे किसानों को आसानी से अपने जो वो प्रोडक्ट है उनको बेचने में आसानी हो जाए दूसरा सर पानी के लिए जो अभी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी तो पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए भी सरकार ने एक पैकेज जो है रिलीज़ किया था तो वो सर पूरे बुंदेलखंड में रिलेटिवली सर सबको साथ साथ जितना पैसा हो सकता था उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से वो सर डिस्ट्रीब्यूट किया गया अच्छा आईटी के स्पेशलिस्ट हैं जी सर जिन्हें आपने लंबा अध्ययन किया पढ़ाया गया जी सर इस आईटी को सोशल पर्सपेक्टिव में कैसे यूज किया जा सकता है या रूरल पर्सपेक्टिव में कैसे यूज किया जाए रूरल पर्सपेक्टिव में जैसे सर सर विदित है कि सर भारत में जागरूकता की थोड़ी कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर शिक्षा का स्तर भी थोड़ा नीचा है तो ऐसे में सर जो जो कम्युनिकेशन होता है गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और हमारे जो पब्लिक नॉर्मल पब्लिक के बीच में वो उतना सही नहीं हो पाता है तो ऐसे में सर अगर हम आईटी के माध्यम से जो एडवर्टाइजमेंट उसका होता है वाया सर सोशल मीडिया में आजकल सब लोग बहुत सक्रिय हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे इंटरेक्ट करना और सर उनको जागरूक कराना और तकनीकी कुछ कर भी रही है जी सर प्रयास सरकार किसानों को जागरूक करने जी सर लगातार सरकार ने ऐसे पोर्टल सर बनाए हुए हैं टेलीविजन के माध्यम से और सर और इस जिससे कि जो है सरकार और आम जनता के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो और देश के विकास को सरगति मिल सके सी फोर सिक्योरिटी में जी सर साइफर सी फोर सी फोर सी जी सर और उसके ऊपर फोर सॉरी आई डोंट रिमेंबर याद नहीं सी फोर कम्युनिकेशन कमांड कंट्रोल जी सर एंड लास्ट अभी का ही सूत्र है सर सॉरी अभी रिकॉल नहीं सी फोर कैन यू डिफाइन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीइंग अ मैन ऑफ आईटी विज्ञान तकनीकी सर विज्ञान सर प्रयोगों पर आधारित जो है प्रयोगों पर आधारित मतलब ज्ञान और प्रयोगों के आधार पर एक जो है जो है वेरी सिंपल क्वेश्चन जी सर अप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर जो मतलब
विज्ञान विज्ञान का सर जो सिस्टमैटिक जो नॉलेज ऑफ एनीथिंग तकनीकी एनीथिंग इज साइंस एंड एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। डिजिटल इंडिया से क्या फायदे होंगे? डिजिटल इंडिया से सर जो है सरकार और जनता के बीच में सर संचार का एक नया मीडियम खुला है। सरकारी योजनाओं का लाभ जो है जैसे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसी जो सुविधाएं सरकार दे रही है उससे सर जो है लाभार्थी को डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। तीसरा सरकार जो अगर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है तो डिजिटली सर उसकी कंप्लेन भी जो है लाभार्थी कर सकता है और सरकार उसका निदान कर सकती है। गांव की जो समस्याएं थी उसका इससे क्या समाधान हुआ है? सर गांव में सर प्रशासन की पहुंच थोड़ी ज़्यादा हो गई है। वो जिन्होंने भी मार्ग जितने भी जमीने हैं उनका सबका डिजिटल तैयार कर लिया गया है। जी सर। और अगर आपको कोई आप खतौनी जैसे पहले मिलती थी तो लेखपाल से दौड़ते रहिए हफ्ता 10 दिन बाद मिलता था। जी सर समय की बचत हुई। अब तत्कालिक आप जाइए तुरंत आपको जो प्रिंट आउट निकाल के दे देंगे तो मतलब बहुत बड़ा फायदा इससे हो गया। जी सर। बैंकिंग सिस्टम में बड़ा रिफॉर्म हुआ है सर जो जनधन योजना के माध्यम से सर सभी के लगभग खाते खुल गए। जी जी। और सबके अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। जी सर। उसके लिए उन्हें इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ता है एक ही स्थान पर लगभग सारी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हो पा रही है। रेलवे सिस्टम में है सर ऑनलाइन जो है अपना टिकट बुक कर लेते हैं कैंसिल कर सकते हैं। जी सर। इसके लेकिन नुकसान क्या है सर? सबसे जी सर वैसे नुकसान के संबंध में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा सर जैसे कुछ जगहों पर डिजिटलाइजेशन और जो मशीनीकरण के युग की वजह से कुछ रोजगार पर जरूर सर थोड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। इसके अलावा सर जो है पारदर्शिता ही आई है शासन प्रशासन में तो वैसा कुछ नुकसान जैसा सर दिखता नहीं है डिजिटलीकरण से। आप ऐसा नहीं साइबर सिक्योरिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया? जी सर ये एक इशू सर है। ये आजकल कोई खतरा दिखाई नहीं दे रहा और मैं समझता हूँ सबसे बड़ा खतरा है इसी में। सर ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है। नहीं आप तो कह रहे कोई खतरा नहीं है आपने तो जो कहा कि कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा और मैं ये कह रहा हूँ कि जो आईटी सेक्टर में ही जी सर जो साइबर हैकर्स साइबर क्राइम हैकर्स हैं सबसे ज़्यादा खतरा इसी में ढूंढ रहा है। पूरा का पूरा मतलब किसी देश की इकोनॉमी को सेकंडों में एक साइंटिस्ट तो अभी भी चंद्रयान 2 का जो था उसमें कहा हाईजैक कर लिया गया उसको। हाँ ये एक बहुत बड़ी समस्या है सर है ना। जी सर। और आप आईटी जानते हैं तो सर यू शुड बी बस आपका ये कहना पता चलता है कि इसमें कोई खतरा ही नहीं। मैं तो आईटी का आदमी नहीं। जी सर। आई एम सेइंग इट इधर एजुकेशन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। जी सर। किस दिशा में सर? आईटी का रोल है सर एजुकेशन के क्षेत्र में जैसे सर निष्ठा पोर्टल के माध्यम से सर जो स्कूलों के जो प्रधानाचार्य हैं और टीचर्स हैं उनको सर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। जैसे सर उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें तो ऐसी ट्रेनिंग की ऐसी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी तो एक यहाँ पर ये हो सकता है। अभी सर एक प्रेरणा ऐप भी लॉन्च किया गया है जिससे कि जो है टीचर्स की उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है सर स्कूलों में। इसके रिक्रूटमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट होते हैं बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। जी सर। और तमाम में तो तुरंत जो है रिजल्ट भी आ जाता है। जी सर। ये आईटी के ही उससे संभव हो पाया है। ये बताइए कि किसी भी सिस्टम को करप्शन फ्री करना है तो कोई दो चीज़ें बताइए क्या जरूरत है उसकी? सर करप्शन फ्री करने के लिए जैसे भारत सरकार के इनिशिएटिव में से डिजिटल एक कार्यक्रम को अगर किया जाए चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया जाए तो एक हद तक जो कड़ी होती है बीच में भ्रष्टाचार की वो कहीं ना कहीं समाप्त होती है। और दूसरा सर भ्रष्टाचार सर एक चेन के फॉर्म में है। अगर किसी तरह से हम योग्य लोगों को सही स्थान पर बैठा सकें तो चेन को छोड़ा जा सकता है। सरकार जितने लोगों की भर्ती करती है सबको ये मान के चलती है कि बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर का है इंटीग्रेटेड बियॉन्ड डाउट है और इससे अनस्टार में नहीं मिल सकता लेकिन एज एन एंड गेट एंट्री उसका खेल शुरू हो जाता है। स्टार्ट इज चेस
एम, इसको ह्यूमन नेचर और बिहेवियर के बारे में ये कहा ही नहीं जा सकता कि भाई मतलब अच्छे लोगों की भर्ती की जाए। ये जितने लोगों की यूपीएससी से या पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्तियाँ होती हैं सब अच्छे लोगों की भर्ती की जाती है, लेकिन ह्यूमन नेचर बिहेवियर और उसकी ऑनेस्टी को नापने के लिए कोई मेजरिंग क्लास हमारे पास नहीं। इसलिए जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी सिस्टम को करप्शन फ्री करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिए, तो सिस्टम से आगे उबार कर देगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बात आपको कोई नहीं बता पाएगा। जी सर, संभव है उस सिस्टम से आदमी को बाहर कर दिया, सिस्टम से आदमी को बाहर कर दिया जाए तो सिस्टम में रहने का फायदा क्या है? किसी भी मानी रिक्रूटमेंट है उसमें आदमी को बाहर निकाल दिया, जैसे तमाम देश ऐसे हैं रिक्रूटमेंट देखेंगे जिसमें ड्राइवर की सीट पर शुरू जब वो गाड़ियाँ चली हो तो लोगों को दिखाने के लिए ड्राइवर की सीट पर ड्राइवर को बिठाया जाता था ताकि लोगों को ये न लगे कि इसमें कोई ड्राइवर ही नहीं, कोई बैठे नहीं, तो बैठे ही तो उन्होंने ड्राइवर को बिठाना शुरू किया क्योंकि ड्राइवर का कोई रोल नहीं था उसमें, सिर्फ इसको दिखाने के लिए तो ड्राइवर को सुरक्षित, लेकिन ऐसा समय आया तो वो ड्राइवर को बैठे लोग आते हैं बैठते हैं उनका सिर्फ टाइम क्या रोबोट जो है रिप्लेस कर सकते हैं ह्यूमन बीइंग को? सर रोबोट आईटी के आदमी आते हैं इसलिए पर्टिनेंट क्वेश्चन है। सर एक्चुअली रोबोटिक्स के साथ एक बहुत बड़ा इशू है, जैसे हमने उसे ट्रेन भी बहुत किया है बट कुछ ऐसे आस्पेक्ट्स छूट जाते हैं जो कि ह्यूमन को वो कम्पीट नहीं कर पाता कुछ जगह, इमोशंस नहीं है जी सर, उसमें इमोशंस नहीं है। अगर आपने रूल्स सर एक सेट ऑफ रूल्स उसको दे दिया है तो वो उसी के हिसाब से ही कार्य करता है और वहाँ पर लचीलापन आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो ये बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा बहुत हो जी सर, अभी कहीं हमने पढ़ा था तो उसको करिकुलम का पार्ट भी बनाया जा रहा है, है क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू कहाँ से हुआ है? सर शुरुआत का तो सर उसके लिए सर माफी जरूर जानी है, कब स्टार्ट हुआ? सर इस पर काम जो है 20वीं सदी में सर प्रारंभ हुआ है, 20वीं सदी को बहुत बड़ी 100 साल 100 साल मतलब बजाय ये बताने के लिए पूरा 100 साल ही बीच में बैठ गए सर, उसके लिए माफी चाहूंगा सर, मुझे एग्जैक्टली सर ये नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी है जी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही जी सर जी सर, तो वो सर रोबोटिक्स बोलते हैं जी सर, रोबोटिक्स है और वो ह्यूमन के बिहेवियर पे सर आधारित है, हमारे किए हुए कार्यों का ही एक जो है श्रृंखला बनाई गई। 21st सेंचुरी की का जो वो है आपका सिक्योरिटी सिनेरियो जी सर, उसमें एक सेगमेंट डिफेंस है जी, क्योंकि आपने डिफेंस लिया जी सर, अब बारिश शुरू होती है मेरी क्योंकि आप डिफेंस के आदमी हैं, अब तक वो सारा कॉकटेल चल रहा था, 21st सेंचुरी में जो डिफेंस का सिनेरियो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या मतलब सर? डिफेंस में जैसे सर बदलते वैश्विक परिवेश में वर्तमान में देखा गया कि सर मानव संसाधनों के माध्यम से किसी भी लड़ाई को सर नहीं जीता जा सकता, तो ऐसे में सर तकनीकी का बहुत महत्वपूर्ण जो है योगदान होने वाला है। मानव संसाधनों की वजह से किसी लड़ाई को नहीं जीता जा सकता, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल आपने जवाब दिया, बिना मानव संसाधन का मतलब जो होता है सर ह्यूमन रिसोर्स जी सर, और आपने ये भी कहा कि भाई मतलब इसमें संवेदनाओं का और उसका अभाव होता है जी सर, तो आप ये तो मान के चलिए ही कि चाहे वो रोबोटिक्स उस लड़ाई में भाग लेते हैं भाई सोल्जर के तौर पर, लेकिन उसको कमांड करने के लिए कोई आदमी तो जरूर होगा सर, अगर नहीं होगा तो पता नहीं कहाँ वो किस दिशा में हमला कर रहे हैं इसका पता ही नहीं चलेगा सर, मारना किसी को मार किसी और को, आदमी तो कम से कम ये तो देख लेगा भाई ये आदमी मारने वाला नहीं है, ये सिविलियन है कोई, उसको तो सिविलियन और नॉन सिविलियन से कोई मतलब ही नहीं है, तो जो ही सामने आएगा उसी को शूट करेगा सर। वो एक्चुअली इसमें केवल शब्द लगाना था उससे मिस हो गया, मिस हो गया वही उसी मिस से तो बचना था आपको जी सर। और सर उसमें हमारे जैसे अज्ञानी दो चार बैठे मिलेंगे जब आप बोर्ड में जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा भाई शब्दों का चयन सोच समझ के करिए जी सर, तो ऐसा हो कि भाई छोटा सा एक शब्द जो है वो रह जाए और उसी में काम बिगड़ जाए। एक शब्द होता है वो क्या नाम है खुदा, उस पर बिंदी लगती है और अगर वो बिंदी हट जाती है तो खुदा जुदा हो जाता है, उसका जुदा पढ़ा जाता है, तो एक ही शब्द आपका जो है वो सारा सेंस बिगाड़ देगा, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ और बताइए आप, कुछ आपने ये डिफेंस पढ़ा था, तैयारी किसी कोचिंग वोचिंग से की थी आप किसी को? सर खुद से ही सर। क्या क्या पढ़ा, क्या किताब पढ़ी, कैसे पढ़ी? मतलब सर शेखर अधिकारी की जो बुक आती है सर, कंपाइल्ड नोट्स है सर, उन्हीं से सर पढ़ा। फर्स्ट पेपर सर तैयार किया था, सेकंड पेपर सर न्यूज़पेपर और मैगजीन के माध्यम से ही सर लगभग हो गया। सेकंड पेपर कोई किताब नहीं पढ़ी आप? मतलब क्योंकि सेकंड पेपर में सर मोस्टली सर आईआर इंटरनल सिक्योरिटी, वो तो मुझे पता है क्या है, लेकिन आपने कोई किताब नहीं पढ़ी? नहीं सर। तो थैंक यू स्पीकर, ईश्वर भला करे भाई इस विषय का, मैं तो आई एम वेरी थैंकफुल। सर ये बताइए जी, सोवियत संघ के सहयोग से जी भारतवर्ष उत्तर प्रदेश में एक राइफल बना रहा, उसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम क्या है, उस राइफल का नाम क्या है? सर सोवियत संघ के जी सर, जी सर आप ही प्रदेश में हम लोग सुना करते थे AK-47 सर, राइफल का नाम भी सर याद नहीं, AK-56 तक सुन गए, अब क्या बनने जा रहा है? सर राइफल का नाम सॉरी याद नहीं आ रहा सर, मुझे सुल्तानपुर में AK-204 AK-204 बगदाद पैक्ट क्या रक्षा संबंध में तो बगदाद पैक्ट जिसको सेंटो भी कहा जाता है जी सर, सेंटो वेदर इज इट अलाइव और नॉट? सर सेंटो वर्तमान में सर जिंदा है, मर गया है? नहीं सर सेंटो वर्तमान में नहीं है सर। नहीं सर अभी पड़ा है। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी एक पक्ष था जी सर, जर्मनी दूसरे महायुद्ध में युद्ध था जी सर, तो पहले युद्ध में जो महायुद्ध हुआ उसमें जर्मनी की क्या भूमिका थी? जर्मनी की भूमिका क्या थी? सर प्रथम विश्व युद्ध के समय पे सर जर्मनी जो है यूरोप में सर जो लड़ाई छिड़ी थी उसमें जर्मनी ने सर मतलब काफी आक्रामक जो है रवैया, तात्कालिक कारण क्या था इसका? प्रथम विश्व युद्ध के तात्कालिक कारण में सर सर इसे माना जाता है कि बहुत तैयार हो ही रहा था, एक छोटी सी घटना घटी और प्रथम महायुद्ध हो गया, पिस्तौल से छूटी हुई ये गोली ही उसका कारण बनी थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जी सर, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंडो और उनकी पत्नी सोफिया हत्या हो गई थी, फिर उसके बाद जर्मनी ने क्या किया? सर भी थोड़ा सा रीजन नाम की वजह से बोल रहा है चीज़ें। अच्छा ठीक है, चलिए ये बताइए कोल्ड वार क्या है? कोल्ड वार सर एक तरह का ऐसा जो है मतलब जब एक हिंसक युद्ध एक सर युद्ध होता है और अगर हम किसी युद्ध नहीं करना चाहते हैं तो विभिन्न नीतियों के माध्यम से युद्ध जैसी स्थितियां बनाना सर शीत युद्ध कोल्ड वार में आता है, अपने हितों की रक्षा के लिए सर जो है युद्ध के अतिरिक्त जितने भी साधन उनका प्रयोग करके कोल्ड वार। तो बेसिकली सर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद से ही सर अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा और रशिया सर सोवियत संघ साइन उसके नाम से जाना जाता था, सोवियत संघ और अमेरिका ने जो शीत युद्ध को सर लगातार बढ़ाया और सोवियत संघ के विघटन के बाद ही इस चीज में थोड़ी सी कमी देखी गई। दोनों देशों ने सैनिक उठ बनाया जी सर, अमेरिका ने क्या बनाया? अमेरिका ने सर नाटो बनाया सर यूरोपीय देशों के साथ मिलकर के, और सोवियत संघ ने सर वारसा पैक्ट के माध्यम से जो साम्यवाद का प्रसार करने के लिए एक देशों का संघ बनाया था सर काउंटर करने के लिए सर। किन किन देशों तक उसने साम्यवाद का प्रसार किया? साम्यवाद का प्रसार तो सर एक तो संघ में जितने सोवियत संघ में जितने देश थे वो तो सर उसमें थे ही, उसके अलावा पैक्ट में तो और देश थे जी सर, लेकिन कहाँ कहाँ उसने लाया कम्युनिज्म? वैसे लाने को सर उसका प्रभाव सर देखा गया दक्षिण एशिया में भी सर उसका प्रभाव देखा गया और जिसमें सर अफगानिस्तान था इवन भारत भी कुछ हद तक उसके प्रभाव में सर रहा। अपने पड़ोसी देशों में हंगरी, रोमानिया,
किया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, इन सभी जगहों पर उसने सामान्य प्रसार स्थिति को संभालता है। ये बहुत वजह थी सर सोवियत संघ के वितरण के लिए। सर जो है नीतियों को सर थोड़ा दोषी माना जाता है। सोवियत संघ राष्ट्र ने जो अपनी नीतियां अपनाई थी उसमें सर जो उनके सहयोगी देश थे उनको ऐसा लगने लग गया कि सोवियत संघ जो है जरूरत से ज़्यादा सर तकनीकी पर इन्वेस्ट करता है और लोगों के जो रोजगार के अवसर हैं या उनकी जो और भी जो प्रॉब्लम्स हैं सामान्य जीवन यापन की वो सर कम हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी अनैतिक नीतियाँ रहीं जिसकी वजह से सर सोवियत संघ का विघटन हो गया। एक तो वजह ये थी बंद मुट्ठी लाख थी खुल गई तो खा थी। उसने जब बता दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है अमेरिकी प्रेसिडेंट की यात्रा हुई उसने बहुत कुछ सामान भेजा और जब जान गया कि अर्थव्यवस्था टूट चुकी है तो विघटन पर बंद हो गया। जैसे इसी समय क्यों 370 खत्म किया गया क्या एक वजह नहीं हो सकती कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हम लोग जान चुके हैं? जी सर बिल्कुल ये सही समय था राइट टाइम ऑफ अटैक जिसको डिफेंस की व्यवस्था में। अब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो सैनिक साजो सामान भी खरीद कुछ ऐसा कर सके और भारत उसे चढ़ाने के लिए और ज़्यादा खरीद रहा है। अब वो जो भी उसमें चल पड़ गया अपनी जनता का हित देखें ये सैनिक साजो सामान खर्च करें। ये बहुत बड़ा जो है अच्छा सम्मान के लिए जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा अगर संकटग्रस्त कोई देश है तो पाकिस्तान है। जी सर वहाँ महंगाई का आलम यह है कि जो आलू है वो 500 रुपये किलो मिल रहा है, मटन जो है 1100 रुपये के जी मिल रहा है। तुलना करके चल रहे हैं पाकिस्तान की और अर्थव्यवस्था चरमराई जैसे सोवियत संघ के टुकड़े यूएसएसआर बलूचिस्तान अब रूस कोशिश में लगे हुआ है उसी तरह ये भी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। ठीक वही स्थितियाँ आ रही हैं हमारे सामने पाकिस्तान के भी। सिंध का आप देखें पाकिस्तान के चार प्रांत सिंध है बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बलूचिस्तान है वो केंद्र से नियंत्रित हो रहा है और फाटा का क्षेत्र बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई उसका कूट नाम क्या है कूट नाम कोड दिया जाता है कोड जी सर सेक्रेट कोड बोलते हैं उस ऑपरेशन का एक जानवर के नाम पर है सर नाम है हेलो हाँ नमस्कार ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स सर जो है पांच देशों का सर संगठन है जो कि इसमें सर भारत रूस चीन ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो बाद में आया सर 2010 में तो वो एक ऐसा संगठन है सर जो विश्व के विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करता है सर आर्थिक और सामाजिक हितों को ध्यान में रखकर ये सर इसे बनाया गया है। सर पाकिस्तान में सर सबसे बड़ी जो समस्या दिखाई देती है वो सर उसका चरमपंथी और आतंकवाद को बढ़ावा देने की वजह से आपस में ही सर गुट बने हुए हैं। दूसरा सर हस्तक्षेप बहुत है सर सेना का वहाँ पर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पाती और पहले भी देखा गया कई बार सर तख्ता पलट भी हुआ है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर जिसके माध्यम से शासन को संचालित किया जा रहा हो। एक और खास बात है उस पर सर एक तो कारण सर ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान में सर जो जो मुख्य रूप से आर्थिक लाभ सर उनके जो पंजाब प्रांत को ही सर मिलता है बाकी लोगों में सर असंतोष व्याप्त है। वहाँ जो पॉलिटिक्स में जो इन्होंने एंट्री है वो पूरे पाकिस्तान में पकड़ रखी है। एक आदमी ऐसे 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 पॉलिटिशियंस हैं जो एम पी और वो हैं जिनके पास 5-5 हज़ार डिग्री हैं 5-5 हज़ार डिग्री और सिर्फ पॉलिटिक्स में एंट्री इसी काम के लिए किए हुए हैं कि भाई अपना मतलब एम्पायर को सेव रखने के लिए। ठीक है 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार बीघे जमीन एक आदमी के पास होगी वहाँ तो फिर क्या होगा
इसके जैसे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पास भी बहुत ज्यादा संपत्ति थी। नहीं, तो उन्हीं का नहीं, आप किसी का भी जिसकी पूंज था वो ही मारा निकला, बहुत सबका वही रहा। ये बोल रहा हूँ। दूसरा ये कि वहाँ जो आर्मी है वो बहुत ही बेनिफिशियरी ऑर्गेनाइजेशन, सारा फंड उसी के पास है। सर वो एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह लगभग काम करती है। और वहाँ पर ये है कि जितने देर तक आप वहाँ पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियन वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, जितने देर तक जूती को पैर में रखे है उतने देर तक ही सेफ है। जैसे उसने जूती बाहर निकाला तो दरवाजे पर सेना खड़ी बनेगी उसको, और वक्त अपन गाड़ी में डाल देगा। ये वहाँ तो सिर्फ नाम के लिए जमहूरियत है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी द वर्स्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इफ देयर इज एनी देयर दैट इज वर्स्ट। भारत और म्यांमार ने एक संयुक्त अभ्यास किया है, उसका एक नाम दिया गया भारत और म्यांमार, सर शायद सिम्बायोसिस शायद, सॉरी तो सिंगापुर के साथ, सॉरी सर सिंगापुर के साथ ऑपरेशन एक्सरसाइज है। ऑपरेशन कैक्टस का नाम सुना कभी आप? ऑपरेशन कैक्टस सर नाम तो सुना है, देखिएगा। राफेल को लेके बड़ी काफी कंट्रोवर्सी है जी सर। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम डिफेंस, राफेल का नाम सुना होगा जी सर, उसको लेकर कांग्रेस वाले काफ़ी विवाद करते हैं, जो है उसको उसका रेट काफ़ी सूटअप कर गया है। बीइंग ए डिफेंस करस्पॉन्डेंट, अगर आपको अपना जो पक्ष है उसको रखना हो देश के सामने, तो आप कैसे रखेंगे कि भारत का जो फैसला था सरकार को सही? वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि हमने जब इसको खरीदने की बात की थी तो उसकी कीमत थी 6 रुपये, और जब मोदी सरकार ने इसको खरीदने की बात की तो उसकी कीमत हो गई 11 रुपये। आप इसको ट्वीट करिए बीइंग ए गवर्नमेंट करस्पॉन्डेंट, डिफेंस करस्पॉन्डेंट, कि भारत सरकार का जो फैसला था वो ठीक था कैसे, और भारत सरकार ने इसमें कहीं कोई मतलब रिश्वतखोरी का काम नहीं किया, ना कोई लेन देन हुआ, मिडिल मैन कोई नहीं इसमें। सर पहली बात तो ये है कि सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ध्यान रखिएगा आप आईटी के आदमी हैं, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कीपिंग इन व्यू दैट यू आर मैन ऑफ आईटी, सर योर आंसर शुड बी इन द एम्बिट ऑफ आईटी। सर पहली बात तो ये है सर कि जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, तो पहले सर भारत में जो समझौते होते थे उसमें कहीं ना कहीं बिचौलिया होता था सर, तो ये चीज़ इस बार नहीं थी सर। एक तो प्रधानमंत्री मोदी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच में, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, पहली बात तो सर ये थी। दूसरी बात ये थी कि सर जो है पिछला जो राफेल खरीदा जा रहा था, जो हम 2000 पहले जो खरीद रहे थे, इसकी कीमत 600 करोड़ के तकरीबन बताई, और वर्तमान में जो है उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ी, तो उसमें सर एक तकनीकी पहलू को जो है ध्यान में रखा गया है। राफेल को सर भारत की ज़रूरतों के हिसाब से सर मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि इंडिया में सर कई ऐसी जगह हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो राफेल को इस तरह से सर मॉडिफाई किया गया कि हम हर प्रकार के मौसम में और हर प्रकार की परिस्थितियों में सर उसका जो है उपयोग कर सकें। तीसरा सर जो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ सर थोड़ा सा जो है पिछले 10 सालों में सर मुद्रास्फीति की वजह से भी थोड़ा सा रेट सर बढ़ा हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। बाकी सर गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से एक जो है अच्छा फैसला। योर रिप्लाई इज वेरी अप टू द मार्क, और जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो करना चाह रहा था, वही क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के आदमी, ठीक है, और टेक्नोलॉजी के आदमी से आपका सारा जवाब ठीक है, आपने सारे एस्पेक्ट को कवर कर लिया, आई अप्रिशिएट योर व्यू एंड वर्जन बोथ। कोई भी टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेजी से पुरानी हो रही है, ऑब्सोलीट हो रही है जी, राइट। 2012 में जिस टेक्नोलॉजी से ये समझौता हुआ था जी सर, उसके बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई जी सर, ठीक है,
और इस दुनिया में कोई चीज़ सबसे तेजी से बदल रही तो टेक्नोलॉजी। आज जो मोबाइल फ़ोन आप लेते हैं 10,000 रुपये का, आज के 3 साल बाद ये मोबाइल फ़ोन 3,000 रुपये में भी आप लेना चाहते हैं, ये ले मतलब ये बेकार होगा, बेकार क्योंकि उसका अपग्रेडेड सिस्टम आ जाता है। तो इसलिए ये जो अपग्रेडेड सिस्टम है इन द लाइट ऑफ कीपिंग इन व्यू द टोपोग्राफिकल कंडीशन एंड द फायरिंग रेंज फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट टू दैट कॉन्टिनेंट, इसको ध्यान में रख के हमने उसको उसी के अकॉर्डिंगली जो है समप किया हुआ है। दैट इज़ वाई द रेट ऑफ राफेल इज एज यूजल एज इट शुड बी, इसमें कहीं कोई लेन देन नहीं है और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की इफिशियंसी को ध्यान में रख के पूरा एक्सप्रेस है। इतनी बात बतानी है कि उसका जो लेटेस्ट वर्जन है टेक्नोलॉजी की तरह है मोबाइल फ़ोन के लिए, कि जो आज तक जो लेटेस्ट वर्जन है निचोड़ सी बात पर कुछ लॉन्च होगी तो उसका प्राइस हाई होगा, और जैसी उससे सुपीरियर चीज़ लॉन्च होगी उसका प्राइस प्राइस सिर्फ इतनी सी बात बतानी। और इसी को लेकर कांग्रेस वाले इतना स्थिर बैठे और कोई ढंग से कोई आप इस बात को रिप्रेजेंट नहीं कर सका कि अम्ब्रेला एक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने लाया है, ये क्या है अम्ब्रेला एक्ट? अम्ब्रेला एक्ट पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा सर, पढ़ा था। अच्छा, संध्या साथी योजना गवर्नमेंट की चल रही है, ये क्या है संध्या साथी योजना? बारे में जानना पड़ गया ना। कन्या सुमंगला योजना क्या सर? कन्या सुमंगला योजना शायद पूरी तरह सर याद नहीं, गैस करूँ तो आगे हो आपकी तरफ जानकारी बताएं। शादी टाइम पर सर कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए कितने न्यायाधीश निश्चित किए गए अधिकतम? सर एग्जैक्टली डिजिट तो शाहमाल है सर 200 साइड निश्चित हो गया। कोलेजियम प्रणाली सर जजों की नियुक्ति के लिए एक जो है न्यायपालिका की जो एक व्यवस्था है, त्रिसदस्यीय है कि 5 सदस्यीय सर? 5 सदस्यीय है। सुप्रीम कोर्ट के सर चीफ जस्टिस सर इसको चेयर करते हैं और रिकमेंड करते हैं सर सरकार को जजों की नियुक्ति के लिए। कोलेजियम किसानों के लिए सरकार ने क्या योजना शुरू किया? किसानों के लिए सर वर्तमान में सर जैसे किसानों के लिए एक किसान मानधन योजना अभी हाल ही में लॉन्च की गई है, जिसमें सर जो है 2,000 रुपये जो किसानों के लिए जो है पैसों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और इसके अलावा सर झूम खेती समाजकारी झूम खेती को जो है जैसे सर ये आदिवासी क्षेत्रों में ज़्यादातर सर झूम खेती सर की जाती है, वहाँ पर सर एक स्थान पर जहाँ कृषि करते हैं वहाँ पर जो है जब फसल 3-4 साल या 3-4 बार फसल का उपयोग किया और ज़मीन को सर वहाँ जो है जलाने के माध्यम से जो है ज़मीन को उपजाऊ बनाया जाता है, उसके बाद सर उस स्थान को छोड़ दिया जाता है दूसरी जगह, फिर जो है यही प्रक्रिया अपनाई जाती है और फिर खेती की जाती है। वैसे में सर बार बार जो है स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है सर। क्या लाइन कही जाती है, जेका वेरी सक्सेस हो है वो का जीवन को अधिकार, ये लाइन आप वहाँ के रहने वाले हैं, यू मस्ट नो। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए जी सर विदाई के पहले, और वो ये है कि आप पहली प्रेफरेंस आपके एसजीएम के लिए ड्यूटी डायरेक्टर के लिए जी सर, क्या पार्टी आप अपने में मानते हैं कि उसके लिए आपको ड्यूटी डायरेक्टर बनाना? सर
डिप्टी कलेक्टर के सर पहली बात तो सर मैं कार्य को काफ़ी स्मार्टली कर सकता हूँ, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्कर भी हूँ। दूसरी बात सर मैं स्किल्ड भी हूँ प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से। तीसरा सर जो है इसके पहले भी मैंने सर मैनेजमेंट पर काफ़ी काम किया हुआ है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, बच्चों को मैनेज करना, उनकी समस्याओं को सुलझाना। तो सर मुझे लगता है कि एज अ प्रशासक में इन सारे जो है अपने अनुभव को लीडरशिप आप में है। जी सर मुझे लगता है ऐसा कि मैं सर एक नेतृत्व क्षमता के माध्यम से भी लोगों को मोबिलाइज कर सकता हूँ, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचा सकता हूँ और काम में भी सर एफिशिएंट हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। सर कोई ऐसा कभी आपने सुना है ऐसा कोई कोई आदमी गवर्नमेंट सर्विस में आ रहा हो वो कहता हो मैं ईमानदार नहीं लेकिन माना करता हूँ मैं ईमानदार भी हूँ? किसी को आपने सुना है सर ये कहता हो मैं ईमानदार नहीं? किसी को नाम बताइए किसी को जो बड़ा से बड़ा बेईमान हो भी कहता है मैं ईमानदार, वो जो ईमानदार है उस बेचारे का खुद कहना ही क्या? तो इस तरह के काउंटर भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जी क्योंकि जैसे हार्ड वर्कर जो आदमी गवर्नमेंट सर्विस में आ रहा है ये प्राइवेट सेक्टर में भी आ रहा हूँ ये एकदम हार्ड वर्कर मैं पूरा डेडिकेटेड मैंने लीडर से ये कहा जाता है जब तक अवसर नहीं मिलता है तब तक हर आदमी ईमानदार होता है। हिम्मत ये भी बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बेईमानी की शुरुआत तो होती है जब अवसर मिलता है। तो कौटिल्य का भी बात कहना यथा है ना स्वाद तुम न सक्यम जीवा व्यवस्था मधुवा विषम जीव के अग्रभाग में रखे हुए शहद और जहर के स्वाद को लेने से जैसे अपने को रोक नहीं पाता वैसे आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त लिप्त होना अपने स्वभाव है ह्यूमन इंस्टिंक्ट स्वभाव तो उसका ठीक है। अच्छा एक सवाल और जी बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाया गया या नहीं? सर बुंदेलखंड राज्य को सर अलग बनाना मतलब बुंदेलखंड एक तो सर पहली बात तो सर काफ़ी छोटा क्षेत्र है और मुख्य रूप से सर वो अपने जो विकास में सर बाकी उत्तर प्रदेश से पिछड़ गया है जिसकी वजह से वहाँ आंदोलन चल रहा है कि बुंदेलखंड को जो है अलग राज्य जो है बनाया जाए। तो यदि सर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करे कुछ ऐसे पैकेजेस या ऐसी जो संभावनाएँ विकास की अगर वहाँ हो सकती हैं, मुख्य रूप से सर वहाँ कृषि में सर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, अगर वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और इसके अलावा सर व्यवसाय के सर कम से कम कम साधन उपलब्ध हैं, सर एकमात्र से खनन उद्योग पर वो टिका हुआ है पूरा बुंदेलखंड, तो अगर सर इस प्रकार की चीज़ें की जाएं तो मुझे लगता है सर बुंदेलखंड का विकास किया जा सकता है। और डायरेक्टली सर क्योंकि वैसा कोई सांस्कृतिक रूप से सर वो हमेशा से उत्तर प्रदेश का ही पार्ट रहा है, कुछ ऐसी चीज़ वहाँ अलग मुझे दिखाई नहीं देती जिसकी वजह से लगता हो कि वो एक अलग जो है पहचान के रूप में वहाँ झांसी से सर इलाहाबाद तक बनेगा सर 290 किलोमीटर। हाईवे जो है जो बने हाईवे उसका सिक्योरिटी सिनेरियो को लेके एक एक्सपेरिमेंट हुआ था तो ध्यान था किसी वार टाइप अगर सिचुएशन आती है तो उसको कैसे यूज़ किया जाए। यमुना एक्सप्रेस वे पर वो जी सर वो तेजस और जगुआर को सर वहाँ उतारा गया था तो सिर्फ इसलिए एक मॉक ट्रेल की गई थी कि इमरजेंसी लैंडिंग अगर कभी करानी पड़े तो हम वो हमारे हाईवे इतने उपयुक्त हैं कि नहीं। एग्जैक्टली 2016 में सर ये किया गया था। वैसे आप कौन सी पोस्ट पा जाएंगे तो ज़्यादा खुश होंगे सर? वैसे डिप्टी एसपी सर। डिप्टी एसपी जी सर यदि आपका डिप्टी एसपी नहीं सिलेक्शन होगा जाइए गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।